अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट हकीम अशरफ अली शेख और आप देख रहे हैं हिकमत अशरफिया चैनल। दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई, बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब और हमारे व्यूअर्स नाजरीन कमेंट्स में ये कहा करते हैं, मैसेजेस में, कॉल्स में ये कहा करते हैं कि हकीम साहब, अगर नुस्खे को जो आप नुस्खे बताते हैं, अगर थोड़ा सा और अगर उसको सहल कर दें और आसान कर दें कि जो हमारे किचन में मौजूद हो, हमारे घर में मौजूद हो। बहुत सारे लोगों को ना पंसार स्टोर नहीं मालूम होता है, पंसारी की दुकान नहीं समझ में आता है, वहाँ से जाकर के जड़ी बूटियाँ लेना ये भी मुश्किल होता है। जी हाँ, तो वो कहते हैं कि कोई ऐसा नुस्खा जो हमारे किचन में, हम आम फैम ज़िंदगी में, हमें वो चीज़ हमारे घर में हो। तो बहुत ही लाजवाब नुस्खा हाजमा के सिलसिले में लेकर के आया हूँ। ये मुकव्वी हाजिम है। जी हाँ, जिनके पेट में तेजाबियत है, गैस बनता है, कुछ हल्की फुल्की खाते क्या हैं कि बस उसको कुछ ना कुछ परेशानी लगने लगती है, पेट ऐसा लगता है कि भाई मुंह की तरफ से जो चीज़ें मैंने खाई है वो निकल जाएगी, और बहुत ज़्यादा रियाही बीमारी है, यानी कि बार बार हवा का खारिज होना, पेट फूला हुआ रहना, पेट के अंदर हमेशा गैस बनना, उसकी वजह से दर्द होना, सही से बाथरूम और टॉयलेट ना होना, बार बार जाना। ये चीज़ याद रखिएगा कि पाखाना या इस्तिंजा करने के लिए लोग टॉयलेट करने के लिए जो जाते हैं, तो ये 24 घंटे में सुबह के टाइम पे हर दिन अच्छे से पेट साफ हो जाए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो हमारे क्लिनिक पर आते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपका पेट कैसा है, आपका मैदा कैसा है, आप किस तरीके से फारिग होते हैं, आपका टॉयलेट बाथरूम कैसा होता है, बाथरूम जाते हैं तो साफ सर्राफ होता है नहीं होता है, टॉयलेट आपका कैसा होता है, वो कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा होता है। जब पूछा जाता है कितनी बार जाते हैं, तो वो कहते हैं कि 3 बार जाते हैं, 4 बार जाते हैं। तो 3 बार 4 बार जाना कमाल नहीं है जनाब, याद रखेंगे आप, 3 बार 4 बार जाना ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपका सुबह के टाइम पर आप फ्रेश हो जाएँ, एक ही बार में आपका साफ़ हो जाए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो जिन लोगों को भी ये तमाम दिक्कतें जो मैंने अभी आपको बताई अगर हैं, तो उनके लिए घरेलू आसान नुस्खा है, इससे आसान नुस्खा ही नहीं मिलेगा। बहुत ही लाजवाब चीज़ है, आप इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह बे इंतहा आपको फ़ायदा होगा। नुस्खा ये है, आप नोट कर लें, याद रख लें, बहुत आसान सी चीज़ है कि सौंफ आपको बाज़ार में मिल जाता है कहीं भी, सौंफ खरीद कर लाएँ 1 तोला, ज़ीरा ले लेना है 1 तोला, जो आपके किचन में भी मौजूद होता है, आप सालन में सब्ज़ी में खाते हैं, और साथ ही इलायची के बीज ले लेने हैं, इलायची भी आपके घर पे मौजूद होता है, इलायची के बीज उनके दानों को ले लेना है, उन तमाम को 1-1 तोला लेकर के सबको भून लेना है, भून करके आप उसको सफूफ बना लें, पाउडर बना लें, और सुबह खाने के बाद यानी कि नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद 1/2 से 1/4 चम्मच आप उसको उठा करके मुंह में डालें और ऊपर से आप गर्म पानी पी जाएं। समझ रहे हैं, नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं लेकिन गर्म पानी ज़्यादा मुफीद है। तो ये आपको सुबह लेना है और रात को सोने के टाइम लेना है, खाने के 1/2-1/4 घंटा के बाद लेना है, 1/2 से 1/4 चम्मच लेना है। किसी को अगर ज़्यादा परेशानी है तो वो 1 चमचा भी ले सकते हैं, लेकिन 1 चमचे से मात्रा आगे ना बढ़ाएं, 1/2 चमचे से कम ना करें, 1/2 से 1 चमचे के दरमियान आप 2 टाइम लें। इंशाल्लाह आप 15 दिन इस्तेमाल करें, आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा आपको मैंने बताया है, आपके अपने घर में मौजूद होता है, आपके किचन में मौजूद होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, आप तक मेरा टॉपिक पहुंच चुका होगा। हमारे दवाखाने में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, जिनसी बीमारियों का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है, यानी कि मर्दाना बाझपन, जनाना बाझपन, है ना, मुश्त जनी जिन लोगों ने हैंड प्रैक्टिस वगैरह किया हो, मनी जिनकी बहुत पतली हो और स्पर्म ना बनते हों,
सूरत अंजाल की शिकायत हो, है ना, चिपचिपे पानी निकलते हों, गुर्दा मसाना उनका इतना अच्छा ना हो, गुर्दा मसाना कमज़ोर हो, तो ये तमाम चीज़ें तो हैं। बवासीर का इलाज होता है, कमज़ोरी या याददाश्त और वज़न बढ़ाने का हमारा क्लिनिक वाहिद मरकज़ है। अगर कोई वज़न बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि वो ताकतवर भी हैं लेकिन बहुत दुबले पतले हैं, तो अगर वो वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो वज़न बढ़ाने का बहुत जामे चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, बहुत स्पेशल दवाइयाँ हमारे यहाँ हैं। आप हमसे रابطہ कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9870967815। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी प्रॉब्लम्स में मुबतला हों, किसी भी बीमारी में मुबतला हों, तो आप हमसे रابطہ करें। तो उम्मीद है कि आप तक मेरा टॉपिक पहुंच चुका होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर सेट करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अहबाबों को शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए फ़ायदे का ज़रिया बनेगा, फ़ायदे का बाइस बनेगा, इसलिए आप लाइक भी कर दें। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।